प्रदेश में लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के नेता अब सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चवरदास महंत एक दिवसीय कोरिया दौरे पर पहुंचे, जहां बैकुंठपुर स्थित राजीव भवन में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और जीत का मंत्र दिया। इसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष चवरदास महंत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र की चिंता कर रहा हूं। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे और बेहतर रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नहीं हो रहा है, दबाव की राजनीति पर चुनाव हो रहा है। वहीं इस विषय पर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष कमलेश एक्का से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार का बहाना ढूंढ रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और जो लोग देशहित के बारे में सोच रहे हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मैं इस बार इतना जरूर कहूंगा कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ का माहौल है। पिछले बार हमने 2 चुनाव जीते थे, कोरबा और कांकेर। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हमारा रिजल्ट बेहतर आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वासियों को भी समझ में आ गया है कि ये आम चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि खास ढंग से दबाव की राजनीति में चुनाव कराए जा रहे हैं। दबाव है, लोगों को डर पैदा कर रहे हैं, लोगों को अंदर कर रहे हैं, लोगों के ऊपर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल, कि इस माहौल में आप स्वस्थ लोकतंत्र के बारे में सोच भी ना सके। कांग्रेस पार्टी एक डूबती हुई जहाज है और उनके लीडर जो हैं, जो देश हित के बारे में सोचते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। कांग्रेस अपने हार का बहाना ढूंढ रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।